इंदौर में आज भाजपा और कांग्रेस के पार्षद शहर हित की मांग को लेकर एकजुट तरीके से नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह से मिले, जहां उन्होंने सामूहिक रूप से नगर निगम को दी जाने वाली राशि के भुगतान की मांग की। वहीं मंत्री सिंह ने भी जल्द ही राशि देने का आश्वासन दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल कुछ दिनों पहले आयोजित हुए नगर निगम के परिषद सम्मेलन में सर्वसहमति से निगम के नेता प्रतिपक्ष को राज्य सरकार से अनुदान राशि लाने की जिम्मेदारी सदन ने सौंपी थी, ताकि विकास के जो काम शहर में चल रहे हैं उनको गति मिल सके। जिसके मद्देनजर आज नगर निगम के सभापति और निगम की नेता प्रतिपक्ष सहित दोनों ही पार्टियों के पार्षद मंत्री जयवर्धन सिंह से मिले और उन्हें नगर निगम की राशि से जुड़े भुगतान की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। जिस तरह से उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने बोला है कि इस विषय में मेरे पास पहले भी जानकारी आपके ही द्वारा आई है, मैंने इससे भी पहले इनको बता दिया था कि शहर में निर्माण कार्य विकास कार्य रुकने की कगार पे हैं, तो आप शीघ्र से शीघ्र यहाँ का जो रुका हुआ पैसा है और बढ़ाकर पैसा देने की कार्रवाई का आदेश दें, जिससे कि शहर का विकास नहीं रुकेगा और आगे हमारे को बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हमारे इंदौर में जो हमको जो क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है, वो राशि पेंडिंग होते 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 182.36 करोड़ रुपए की पहुंच गई है। राज्य शासन से जो हमको रेगुलर मिलती थी वो नहीं मिलने के कारण शहर में जो विकास कार्य हैं और अन्य जो कार्य हैं वो अवरुद्ध हो रहे हैं, और चूँकि सब काम वर्षाकाल गया है, सब काम फैले हुए हैं, तो नागरिकों को भी इससे बड़ी काफ़ी परेशानी हो रही है, और इस कारण से वो चिंता हमारे सदन के अंदर रखी थी। भगवान सिंह जी चौहान ने, जो हमारे भाजपा पार्षद दल के नेता भी हैं, उन्होंने अपना एक मौखिक प्रस्ताव रखा था, जिसे उस्मान जी पटेल ने और अनवर जी दस्तक ने, जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने उसको समर्थन और अनुमोदन भी किया था, और माननीय नेता प्रतिपक्ष को हमने इसके लिए अधिकृत किया था कि वो ये राशि को लेके आने की चिंता करें। महापौर जी ने भी उनसे चर्चा करी थी मंत्री जी से, और आज हम सब लोग यहाँ पर एक साथ ये सारे लोग इकट्ठे हुए और माननीय मंत्री जी से हमने आग्रह करा कि हमारी 182.36 करोड़ रुपए की जो राशि है वो इंदौर को प्रदान करें, जिससे हमारे विकास कार्यों में गतिशीलता आए। वहीं इस राशि के संदर्भ में मिले इस ज्ञापन को लेकर मंत्री सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी है और इसकी मांग पूर्व में महापौर की ओर से भी उन्हें मिली थी, जिस पर जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। हाँ, मैंने उनको आश्वासन दिया है कि चाहे वो बात चुंगी क्षतिपूर्ति की हो, चाहे स्टैंप ड्यूटी का शुल्क हो, अपन पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। वहीं मंत्री से मिले भरोसे के बाद दोनों ही पार्टियों के नेताओं को अब उम्मीद है कि शहर हित के लिए मिलने वाली राशि का भुगतान जल्द ही नगर निगम को कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।